नगर निगम का सिटी बस 40 लाख महीना की कमाई कर रहा है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के द्वारा शहर में कुल 25 बसें अलाट की गई हैं, जिसमें कुल 15 बसें आ चुकी हैं, जिसको मुख्यमंत्री योगी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया था। इलेक्ट्रिक बस का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। जब सड़क पर बसें चलती हैं तो यात्रियों से फुल रहती हैं। प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर की आय हो रही है। लोगों की डिमांड पर नगर निगम ने बसों का संचालन सहजनवा से प्रारंभ किया है। इसके अलावा भटहट से भी बसें चल रही हैं, क्योंकि वहां पर यात्री ज़्यादा मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग सुबह शहर में आते हैं व शाम को घर पर जाते हैं। बहुत से स्कूली बच्चे सरकारी कार्यालय कचहरी में शहर में आते हैं, उन सभी के लिए इलेक्ट्रिक बसें कारगर साबित हो रही हैं, जो कि बहुत लाभकारी हैं, जिसको देखते हुए बची हुई 10 बसें देने के लिए शासन से मांग की गई है, जिससे कि यात्रियों की आ रही डिमांड को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि नगर निगम में 2 12 मीटर की बसें आ चुकी हैं, जिनको एम्स से लेकर नौकायन चिड़ियाघर तक चलेंगी, जहां पर पर्यटक ज्यादा आते हैं, जो कि 54 सीट वाली बस है, जो कि टूरिस्ट के लिए प्रयोग किया जाएगा। जल्दी बसों को सड़कों पर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर बहुत तेजी से विकसित करने वाला शहर है और यहाँ पर पर्यटक की भी भीड़ बहुत हो रही है। उन लोगों को इन बसों के माध्यम से आने जाने में सुविधा उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, देखिए शासन के द्वारा जो है नगर निगम गोरखपुर के लिए जो शहरी क्षेत्र हमारा है वहाँ पर कुल 25 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं वो अलॉट की गई हैं, और उसमें से कुल 15 बसें इलेक्ट्रिक बसें हमारे पास आ चुकी हैं, और जिसको कि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर पूरे शहर में उस वक्त वो चल रही हैं। और निश्चित रूप से इस जो इलेक्ट्रिक बस है इसका रिस्पांस बहुत ही अच्छा देखने में आ रहा है। हर समय ये बसें फुल मतलब पूरी तरह से यात्रियों से भरी रहती हैं, और जो इसकी डेली की इनकम है पूरे यूपी में सबसे ज़्यादा डेली हमारी 1 लाख रुपए से ऊपर की जो आय है वो हो रही है। और इसी बीच में कई काफ़ी लोगों के कहने पर हम लोगों ने इसको सहजनवा से भी चालू किया है, इधर भदहट तक बरगदवा के और आगे तक हमारी ये बसें सिटी सीमा से बाहर भी जाके, चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा है वहाँ पर, इतने ज़्यादा यात्री मिल रहे हैं जो कि शहर में आना चाहते हैं, शहर से शाम को वापस जाना चाहते हैं, बहुत से हमारे जो बच्चे हैं जो कोचिंग करने आते हैं शहर में, इसके अलावा और भी बहुत से कोर्ट कचहरी कलेक्ट्रेट में, तो उन सभी के लिए ये जो इलेक्ट्रिक सिटी बसें हैं बहुत ही मुफीद सिद्ध हो रही हैं, बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रही हैं। और हम लोगों ने शासन से अभी मांग किया है कि हमारे जो बैलेंस 10 इलेक्ट्रिक बसें हैं उसको भी जल्दी यहाँ पर उपलब्ध करा दें, जिससे कि जो हमारे ऊपर जो एक प्रेशर है उसको कम किया जा सके। इसी के दृष्टिकोण अभी यहाँ पर एक जो 12 मीटर वाली जो बसें हैं 2 बसें आ चुकी हैं, जिनको कि हम पर्यटकों के लिए क्या नाम है एम्स से लेकर रामगढ़ ताल से लेकर ऐसे ऐसे जगहों पर चिड़ियाघर ऐसे जगहों पर ले जाएंगे जहाँ की पर्यटक जहाँ पर ज़्यादा जाना चाहते हैं, तो उन बसों को 54 सीटर बसें हैं और उन बसों को हम लोग को पूरी तरह से टूरिज्म के लिए हम लोगों ने उसको वो किया है कि डिवोटेड किया है उसको उन्हीं के लिए, और बहुत शीघ्र जो है वो बसें जो आप देखेंगे सड़कों पर चलेंगी। और निश्चित रूप से चूँकि जो पैटर्न का नक्शा है उस पर गोरखपुर बहुत तेज़ी से उभर रहा है, तो जितने भी ऐसे लोग आएंगे उन लोगों को हम लोग जो है इन बसों के माध्यम से विभिन्न जो पर्यटक स्थल हैं उन पर लेकर उनको वहाँ पर गोरखपुर की जो एक प्राकृतिक सौंदर्य है उसके दर्शन कराएंगे। हाँ बहुत ही निश्चित रूप से इसके लिए हम अपने सभी जो हमारी पूरी टीम लगी हुई है उसको बधाई भी देना चाहेंगे, और कि वो लोग उसको लगातार मेंटेन कर रहे हैं, और ड्राइवर के साथ जो हमारे कंडक्टर हैं वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन सभी को हम अपने आशीर्वाद कह लीजिए कि एक शुभकामनाएँ देना चाहेंगे कि वो आगे और भी मेहनत करें। जो अभी कुछ हम लोग नए क्षेत्र में जुड़ रहे हैं वहाँ भी लोगों के जो यात्री हैं उनको भी उसी प्रकार से वो लोग ले आएँ, उनको इस जो सुविधा है उसका लाभ दें, और निश्चित रूप से जो अपनी आय में उत्तरोत्तर वृद्धि करते जाएँ।